अब रुक करते हैं देश की बड़ी अपराध जगत की खबरों की ओर, जहां पर ब्रजभूषण सिंह पॉक्सो मामले में रद्द होगा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर आपको हम बता दें ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कार्रवाई को लेकर जहां पर रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहीं पर रद्द होगा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट। आइए डालते इस बड़ी खबर पर। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट का केस अब बंद कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। क्लोजर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नाबालिग पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए थे, जिसके आधार पर अब केस को बंद कर देना चाहिए। इस मामले को लेकर एक और चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई है, जिसमें यौन शोषण के आरोपों का जिक्र है। हालांकि यह मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। पॉक्सो एक्ट के केस को बंद करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी सिफारिश कोर्ट को की है। अगर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को मान लिया तो ब्रजभूषण को एक बड़ी राहत मिल जाएगी और उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट का मुकदमा बंद हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। वो हर बार ये कहते थे कि अगर उन पर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो वो फांसी लगा लेंगे। अयोध्या के मंचों से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बातें कही। मीडिया के सामने बार बार कहा कि मैं बेदाग हूं, पहलवानों की तुलना मंथरा और कैकेयी से की। ये कहा कि रामचंद्र जी के ऊपर भी तमाम आरोप लगाए गए थे, लेकिन जैसे भगवान राम सभी अग्नि परीक्षाओं से आगे बढ़े, मुझे भी शायद इसी तरह से राहत मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट फाइल होने से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए थे। ब्रजभूषण ने कहा था कि अगर इस मामले में किसी को कुछ करना है तो वो कोर्ट है। कोर्ट में अगर मेरे खिलाफ चार्जेस सिद्ध होंगे तो मैं जेल जाने और फांसी पर लटकने को तैयार हूं, लेकिन अगर मुझे कोई राहत देनी है तो यह काम भी न्यायपालिका का है। ब्रजभूषण की बात इस बार सही साबित होते दिख रही है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उन्हें मिली बड़ी राहत बताती है कि ब्रजभूषण को कितनी बड़ी सफलता मिली है। लेकिन इस बार सवाल उन पहलवानों पर खड़े हुए हैं जिन्होंने संसद भवन से लेकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन करने की कोशिश की। हर बार कहा कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, हर बार कहा कि सरकार उसे बचा रही है। अब पुलिस ने अपनी जांच के बाद इस रिपोर्ट को दाखिल किया है तो सवाल तमाम दावों पर खड़े हुए हैं। सवाल उस राजनीति पर भी जो एक नाबालिग से हुए यौन अपराध के मामले को लेकर दिल्ली की सड़कों पर की गई, लेकिन उस नाबालिग पीड़िता ने ही अपने आरोप वापस ले लिए। इसके पीछे कौन है ये बताने वाला कोई नहीं।